वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। प्रदेश में जहां टॉलरेंस की बात आती है वहां जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है, लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में जहां इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंपों के आगे जिला प्रशासन के अधिकारी जब जांच करने जाते हैं तो मारे पीटे जाते हैं, उनको हाल से बेहाल कर दिया जाता है, क्योंकि लूट और खसोट में उन सब की दबंग गई है, आगे जिला प्रशासन मौन हो जाता है। तो इस मामले की जानकारी खाद्यान्न में किस विभाग को विभाग में किस पद पर है? मैं क्षेत्र खाद्य अधिकारी के रूप में जो है यहाँ पर जनपद मेरठ में तैनात हूँ। क्या हुआ है? वाक्य ये हुआ था कि एक सूचना मिली थी कि इनके पेट्रोल पंप पे एक ब्राउजर खड़ा हुआ है। ब्राउजर वो होता है जिसके अंदर जो है एक टैंक बना हुआ होता है और उसके अंदर ये डीजल या पेट्रोल डालकर अवैध जगहों पर जो है सप्लाई करते हैं। उसकी सूचना पर हम जाँच करने के लिए आए। जाँच करने के आने पर जो है इन्होंने जो है हमें जो है वहाँ से भगाना चाहा, और उसके अलावा जो है जब हमने इनसे पूछताछ गहनता से जांच की तो इन्होंने जो है मेरे साथ में मारपीट करी। उसके अलावा मेरे साथ में जोगिंदर सिंह क्षेत्र खाद्य अधिकारी थे, उनके साथ भी इन्होंने जाति सूचक शब्द और तमाम जो है गाली गलौज की। एक तारावती जी थी, उनके साथ तमाम जो है अभद्र व्यवहार किया। उसके अलावा एक सुनील कुमार क्षेत्र अधिकारी थे, उनके साथ जो है गलत व्यवहार करा। इनके जो मालिक हैं और ये संजय जैन हैं और हैं, और इनके जो सेल्समैन हैं और जो इनके मैनेजर, सभी ने जो है मेरे साथ मारपिटाई की। और जैसी भी स्थिति में आपके सामने खड़ा हुआ हूँ आप देख ही सकते हैं, ये तमाम जो है डीजल पेट्रोल का अवैध व्यापार करते हैं। अब इनकी जो है पकड़ने के लिए जो है जब ये समझने लगे कि जो है हमारा जो है खेल खुल जाएगा तो इनके द्वारा जो है मेरे साथ मारपीट की और टीम को भी जो है इनके द्वारा। इन लोगों का आरोप है कि आप लोगों ने 50,000 रुपए की डिमांड करी है। इनके पास में अगर जो कोई साक्ष्य हो, कोई मोबाइल नंबर हो या कोई ओल्ड डिटेल हो या इनकी DVR हो तो ये बता सकते हैं, बिल्कुल ये साक्ष्य के आधार पर सिद्ध करें। हमारे द्वारा इनसे कोई रुपया पैसा नहीं मांगा गया है और ना ही हमें इनके द्वारा जो है कोई इस तरीके की जो है बात की। 15 दिन पहले भी जांच हुई थी इनके? 15 दिन पहले हाँ इनके यहाँ पे एक जाँच हुई थी, इनके यहाँ पे जो है कम पेट्रोल मिलने की और गलत पेट्रोल मिलने की शिकायत हुई थी, जिसकी जो है जाँच टीम ने जो है इसकी जाँच करी। उसमें तो ये बोलना है कि उन्होंने ओके की रिपोर्ट दे दी थी। ठीक है, अगर तो शिकायत अगर तो गलत पाई गई तो ओके की रिपोर्ट दी गई, लेकिन ये ब्राउजर के बारे में क्या कहेंगे जो इन्होंने ऐसे पंप से भी गायब कर दिया। उसकी हमारे पास में फोटो भी है और वीडियो भी है, जो इनके पंप पे जो है अवैध रूप से जो है ब्राउजर खड़ा हुआ है। अगर जो इनके पास में ब्राउजर का कोई लाइसेंस हो, कोई इनके पास में अथॉरिटी हो, कोई जो है कोई भी कागजात हो तो ये दिखाएं, इन्होंने कुछ नहीं दिखाया। इनके मैनेजर का हमारे पास में जो है बयान भी है, लिखित बयान, कि इनके पास में कोई भी कागजात नहीं है।